नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक जादव एंड आज हम लोग देखने वाले हैं ये ठीक है। अभी ये पेंटिंग को मैं बोलना चाहूँगा लाइट स्टडी, क्योंकि आज एकदम ऐसे मैं रियलिस्टिक पेंट नहीं करने वाला हूँ, जस्ट एक लाइट स्टडी कैसे होती है, क्या होती है, वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। सो कभी भी पेंटिंग करते वक्त कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए ये आज हम लोग समझेंगे एंड फिर आप भी अच्छी तरीके से पेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बेसिक सा मैं वीडियो यहाँ पे भी क्रिएट करने वाला हूँ, बट एक्चुअल 3D ऑब्जेक्ट जो भी है ये, ठीक है, जो भी मतलब ग्लास है, तो एक्चुअल 3D उसका शाइन, उसका डार्क टोन, उसका लाइट टोन, ये सब कुछ, उसके ऊपर लाइट कैसे किस तरीके से गिर रही है, तो ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। उसको कैनवस के ऊपर कैसे उतारना है, उसको स्केच कैसे करना है, ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हम लोग तुरंत ही स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे बाल, ठीक है। तो अभी हम लोग तुरंत ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं इसका स्केच नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको डायरेक्टली ही पेंट से ही ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैं आपको कलर बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कलर कौन से लेने वाला हूँ, तो एक मिनट, ठीक है। तो ये है अपनी कलर पैलेट। कलर पैलेट में मैं पहले ही ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे टाइटेनियम वाइट, तो टाइटेनियम वाइट, लिटिल बिट क्रिमजन रेड, बंसिंगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डार्क के उनके लिए यहाँ पे है पर्शियन ब्लू, ओके। सो टाइटेनियम वाइट, क्रिमजन लेग, बंसियाना एंड पर्शियन ब्लू, दैट्स इट। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कलर कौन से यूज करने वाली। यहाँ पे मेरा क्रिमजन लेग थोड़ा सा गिर गया था, तो एक्चुअली मेरे पैंट के ऊपर गिर गया, तो मैंने उंगली से ही निकाल के उसको पैलेट में डाला, तो ये तो ठीक है। अब तो आपने कलर तो देखे, अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उंगलियाँ ठीक कर लेते हैं, चलो। तो अभी मैं डायरेक्टली बैकग्राउंड स्टार्ट करूँगा, पहले बैकग्राउंड मुझे चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा लाइट है, ओके। तो मैं यहाँ पे वाइट ले रहा हूँ, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू, बर्न सियाना, थोड़ा सा क्रिमजन लेग और वाइट। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बैकग्राउंड तो खत्म हो चुका है, अभी हम लोग करेंगे इसके ऊपर ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए मैं डायरेक्टली मेरा ब्रश यूज़ करने वाला हूँ एंड पेंट्स। तो ड्राइंग, तो अभी देखते हैं कि ड्राइंग कैसे करना है, ओके। तो सिंपल सी चीज़ है, ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क टोन लेने वाला हूँ, तो डार्क के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन ऐड कर लेता हूँ, ओके, ब्राउन।
एंड थोड़ा सा पर्शियन ब्लू, तो ये डार्क टोन में मुझे मिल जाएंगे कलर्स। थोड़ा सा और डार्क के लिए मैं यहाँ पे और ब्लू ऐड कर देता हूँ। ओके दैट्स इट, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ड्राइंग। Thank you.
अभी हमारा पैचवर्क खत्म हो चुका है और मुझे इसमें और डिटेलिंग्स ऐड करने हैं। तो डिटेलिंग ऐड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसके अंदर इसका कंप्लीट पेंटिंग होगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।